हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका मेरा चैनल यूट्यूबर में बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली मैं फिर आ गई हूँ एक नया प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। और फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम मैं बर्बाद नहीं करते हुए मैं आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, दैट इज़ एक कोजिक एसिड सीरम। फ्रेंड्स, अभी आप जानते हैं कि सीरम कॉन्सेप्ट बहुत आ चुकी है। पोस्ट कोविड टाइम्स के बाद ही मैंने सीरम कॉन्सेप्ट ज़्यादा, मतलब 2019 से मैं सीरम कॉन्सेप्ट ज़्यादा देख रही हूँ। सो अभी का जो मेरा जो प्रोडक्ट है, ये कोजिक एसिड सीरम है फ्रेंड, क्योंकि कोजिक एसिड एक ऐसा इन्ग्रीडियंट है जो आपके स्किन को फेयरनेस ब्राइटन लाइटन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे ही एक कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट फ्रेंडली कोजिक एसिड के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसको यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट हमेशा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, मैं ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट कभी नहीं मतलब सजेस्ट करती। क्योंकि नेचुरल चीज़ जो है कोजिक एसिड, अगर इसका नेचुरलिटी काम करता है तो ये ज़रूर काम करेगा। और इसमें अगर आप गोल्ड पर्ल ये सब भी डाल दो, अगर वो काम नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं इस कॉन्सेप्ट में यकीन रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ विदाउट वेस्टिंग, आपका ज़्यादा टाइम में बर्बाद नहीं करूँगी। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं ये कोजिक एसिड सीरम। कोजिक एसिड सीरम एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो के डिफरेंट टाइप ऑफ फंगी से एक्चुअली ओरिजिनेट करते हैं। सो बेसिकली फ्रेंड, ये राइस फर्मेंटेशन फर्मेंटेटिंग वर्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और स्किन का जो लाइटनिंग ब्राइटनिंग पर्पस पर्सनल केयर में यूज़ होता है। और इसका एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। और फ्रेंड्स, बेसिकली कोजिक एसिड जो है ये जापान का फेमस होता है। जापान का कोजिक एसिड सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे एक्सक्विसिट टाइप का कोजिक एसिड है। सो फ्रेंड, कोजिक एसिड बेसिकली इनका कुछ साइड इफेक्ट भी है। मुझे कल ही पता चला इनका ऐसा कुछ साइड इफेक्ट है जिसके लिए यूरोपियन यूनियन की बहुत सारे कंट्रीज ने इनको बैन कर दिए है। तो इसके बदले में लोग अल्फा आर्ब्यूटीन को यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अल्फा आर्ब्यूटीन भी एक इन्ग्रीडियंट है जो स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करते हैं। सो फ्रेंड, अभी कोजिक एसिड का मैं एक बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली ढूंढना चाहती थी, क्योंकि मैं पहली बार यूज़ करने जा रही थी। दैट इज़ माय फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन यूजिंग अ कोजिक एसिड सीरम। सो मैं ऑनलाइन में पर्पल में मुझे मिला ये कोजिक एसिड का सीरम 350 रुपीज़ अराउंड। सो मैं जुलाई अगस्त से ये कोजिक एसिड सीरम को रिगोरसली नहीं, वीकली अकॉर्डिंग टू मेरा मन के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं वीकली एक बार भी यूज़ करती हूँ, कभी दो बार, कभी दो तीन वीक स्किप भी करती हूँ। सो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे कि विंटर में मैंने ज़्यादा कोजिक एसिड का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इनका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही लाइट है, वाटरी है, स्किन को हाइड्रेट नहीं कर पाता था। सो फ्रेंड, मैंने इस टाइम मतलब जनवरी फरवरी में मैंने और दो सीरम यूज़ करना चालू किए जो एक्चुअली स्किन को हाइड्रेट करते हैं। और वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगी, उसका भी रिव्यू मैं आपको ग्रेजुअली देती रहूँगी। सो फ्रेंड, इनका जो है ये मैं यूज़ करती जा रही हूँ कुछ ही दिन से, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसका क्या है। इसका जो नेट कंटेंट आता है ये 50 ml का है, बेसिकली 350 रुपीज़ का। इनका ऑलरेडी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। बेसिकली इसमें अल्फा आर्ब्यूटीन, ग्लूथानॉन, कोजिक एसिड, लिकोरेज, हेलुरोनिक एसिड ये सब भी है। और जो टॉक्सिक इन्ग्रीडियंट यहाँ पर यूज़ किया गया है दैट इज़ फिनॉक्सीथेनॉल। और ऑलरेडी फ्रेंड आपको मैंने बता ही दिया है फिनॉक्सीथेनॉल स्किन के लिए कितना ख़राब होता है। सो फ्रेंड, इनका जो शेल्फ़ लाइफ है ये 3 ईयर्स का है। और 3 ईयर्स का जब भी आपका हो जाता है शेल्फ लाइफ, तो आप बेफिक्र रहे कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ही प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ गया है। क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट अगर हो तो वो 2 से 3 महीने, मैक्स टू मैक्स 3 महीने ही स्टे करता है, उनका एफिकेसी रहती है। मगर उनको बचाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव जो यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब इसमें है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रोड्यूस बाय एनएस ट्रेडलिंग से, जिसका ऑफिस थाने महाराष्ट्र में है, और मैन्युफैक्चर करते हैं एवी कॉस्मो लाइफस्टाइल, जो कि अंबर गाँव गुजरात में है। सो फ्रेंड, ये है इसका पैकेजिंग मैं आपको दिखा रही हूँ।
एक्चुअली ये एक ड्रॉपर्स टाइप का ही है और मैं इनको ओपन भी कर रही हूँ। ये देखिए इसका एकदम वाटरी टेक्सचर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम वाटर। मैं आपको अभी इस्तेमाल करके ही दिखा रही हूँ एंड मैं अपने हाथों में थोड़ा सा ड्रॉप डाल दिए हैं और अभी ये इतना वाटरी है कि देखिए ऐसे हो जा रहा है। अभी मैं इसको ब्लेंड कर लूँ फिर देखते हैं क्या फिनिश देते हैं। फ्रेंड्स ये ऐसा एक नॉन ऑयली एक फिनिश दिए है मेरे हाथों में मैं ब्लेंड करने के बाद। ये ज़्यादा ऑयली नहीं है तो विंटर के टाइम ये हाइड्रेशन नहीं दे पाएगी, मगर ड्यूरिंग समर के टाइम अगर आप इसको रात में यूज़ करोगे तो अच्छा है। और कोजी कैसिड एक फेयरनेस प्रोडक्ट है, इसको रात में ही लगानी चाहिए। कोजी कैसिड मतलब कोई भी फेयरनेस प्रोडक्ट जो है वो आपको रात में यूज़ करना चाहिए, कभी भी दिन में। हालांकि ये लोग बता चुके हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग, मगर ये मेरा सजेशन है कि आप दिन में कोजी कैसिड या कोई भी फेयरनेस देने वाला जो प्रोडक्ट है वो आप रात में यूज़ कीजिए, तो इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा ही होगा इंस्टेड ऑफ दिन में यूज़ करने से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स ये है इसका फिनिश और अभी मैं इनकी इफेक्टिविटी के बारे में बताने जा रही हूँ। बेसिकली इनका इफेक्टिविटी अगर हल्का फुल्का स्कार है मार्क से एक्ने मार्क से तो यह इसको आपको फेड करता है, हटाता नहीं है। और फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट का जो फिनोक्सिथोनल है उसको लेकर मेरा ऑब्जेक्शन था और हमेशा रहेगा, क्योंकि ऑलवेज मैं चाहूँगी कि हालाँकि हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने इसको बनाया है हालांकि उनका भी टेस्टिंग है, उनका भी सब कुछ है, मैं यही मानती हूँ और यकीन रखती हूँ कि जो भी प्रोपोर्शनेट उन्होंने यूज़ किया होगा वो एज पर प्रोटोकॉल एज पर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनेट में ही यूज़ किया होगा, जाके कोई हेल्थ इश्यूज ना हो। सो फ्रेंड यही तो अगर आप इसे एक बार यूज़ करना चाहते हैं, एक कॉस्ट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव कोजी कैसिड सीरम आप देख रहे हैं मार्केट में, तो आप इस ऑप्शन को पहली बार के लिए ले सकते हैं। और मेरा ये जो वीडियोस है ये कुछ भी मतलब मार्केटिंग वीडियोस नहीं, ये मेरा जो पर्सनल रिव्यूज़ है, मेरा पर्सनल जो मतलब एक्सपीरियंस है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, तो मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। सो फ्रेंड टुडे आप टिल दिस और मेरा जो 57 सब्सक्राइबर्स है उनको मैं बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपका ये आपका सपोर्ट आपका यकीन के लिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी बताइए, कौन से प्रोडक्ट का आप लोग रिव्यूज़ देखना चाहते हैं वो भी बताइए, ताकि मैं और भी आगे जाकर और भी अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यूज़ मैं दे पाऊँ। और मैं कोई भी प्रोडक्ट का तुरंत रिव्यूज़ नहीं देती क्योंकि पहले मैं खुद उसको यूज़ करती हूँ, फिर जाकर मैं 4-5 महीना बाद उसका रिव्यू देती हूँ। मैं तुरंत मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया फिर 2-3 दिन के बाद में उसका रिव्यू देना पसंद नहीं करती हूँ और मैं वैसा नहीं करूँगी। मिनिमम 3-4 मंथ्स यूज़ करने के बाद मैं उसका रिव्यूज़ देती हूँ। और यही है फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट हेल्प और सब्सक्राइबिंग का मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं जब बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास हाजिर होंगी एक नया प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।